हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड सिक्स ऑफ दी सीआरपीसी जो कि एकम्प्लाइज को पार्डन देने की बात करता है एक्म्प्लाइज कौन होता है ये वो अभियुक्त है जो कि किसी ऑफेंस में इसने पार्ट लिया था और उस ऑफेंस के बारे में इस व्यक्ति को पूरी जानकारी है और यहाँ पर कोर्ट इस अभियुक्त को ये जो अभियुक्त है ये जो अक्यूज है इसको पार्डन दे रही है पार्डन मतलब पूरी तरीके से इसको क्या दे रही है छूट दे रही है और इसको अक्विट कर दिया जाएगा एट द एंड फॉर द फॉर द पर्पस कि ये व्यक्ति क्या करेगा उस अपराध के बारे में और जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है और जो अबेटर है उसके बारे में पूरी जानकारी देगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल किस किसी ने ग्रुप ऑफ़ पर्सन एक ग्रुप ऑफ़ पर्सन है पांच लोगों का उन्होंने क्या किया कहीं पर बहुत बड़ी डकैती की ठीक है तो उसमें से एक जो व्यक्ति था अभियुक्त था वो पकड़ा गया अब उस डकैती में जो व्यक्ति पकड़ा गया अब वो क्या हो रहा है कोर्ट उसको ऑफ़र दे रही है कि यदि तुम सारी सच्चाई मुझे ऑफेंस के बारे में बता देते हो ठीक है फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ दी ऑफेंस यदि तुम तो मुझे देते हो उस अपराध के बारे में सरकमस्टांसिस के बारे में और जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है और जो अबेट किया है उस ऑफेंस को उसके बारे में तो हम तुम्हें क्या करेंगे पार्डन दे देंगे ठीक है और जब उसको पार्डन देते हैं वो जब एक्सेप्ट करता है कि ठीक है मैं आपको सारी सच्चाई बताने के लिए रेडी हूँ तब वो क्या होगा अप्रूवर कहते हैं उसको और जब वो आ, कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाता है मतलब जब उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ और मैं वो एविडेंस देने के लिए राज़ी हूँ तो वो अप्रूवर होगा और जब वो क्या हो जाएगा जब कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगा अब जब कोई व्यक्ति साक्ष्य देगा तो उसको विटनेस तो बनना पड़ेगा ना तो उसको कॉम्पिटेंस विटनेस जब बन जाएगा तो वो एक्म्पलिस कहेंगे उसको ठीक है कहने का मतलब ये है कि एट द टाइम जब एक्यूज कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेगा जो कोर्ट ने उसको दी है तब वो अप्रूवर होगा इकबाली साक्षी इसको कहा जाता है अप्रूवर को क्या कहा जाता है इकबाली साक्षी और जैसे ही बताने लगेगा साक्ष साक्ष देने लगेगा तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगा और उसको एक्म्प्लाइज कहेंगे और एकम्प्लाइज के बारे में बताया गया सेक्शन वन थर्टी थ्री ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है अब सेक्शन वन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री ऑफ द इंडियन एविडेंस क्या कहता है कि अ कम्प्लाईज शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस और ये क्या देगा ये एविडेंस देगा अगेंस्ट अक्यूज पर्सन हु इज एब्सकॉन्डेड एंड कन्विक्शन शेल नॉट बी इलीगल मेयरली बिकॉज ही इज़ नॉट कॉरबोरेटेड कॉरबोरेशन का मतलब होता है कि आप उस विटनेस की क्या करें पूछताछ करें उसकी जाँच करें तो यहाँ पर यदि उसका कॉरबोशन नहीं भी होगा और उसकी बात पर भरोसा कर लिया जाएगा तो भी उसका जो स्टेटमेंट होगा उसको इलीगल नहीं माना जाएगा हालाँकि इसको वन हंड्रेड एंड फोर्टीन ऑफ द इंडियन एविडेंस के साथ भी पढ़ा जाता है जहाँ पर उसको रूल ऑफ प्रूडेंस माना गया है कि उसका कॉरबोरेशन कर लेना चाहिए उसकी बात पर पूरी तरीके से हमको भरोसा नहीं कर करना चाहिए ठीक है तो आप लोगों को इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा तो अब मैं डायरेक्ट पढ़ती हूँ ठीक है आप डायरेक्ट खोल लीजिएगा इसमें मैं स्क्रीन में कुछ नहीं दिखाऊंगी आप अपनी बैरक्ट खोलिए मेरे साथ साथ रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड सिक्स स्टैंडर्ड ऑफ पार्डन टू ए कम्प्लाइज विद्यू टू ऑब दी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न इन Or privy to an offense to which this section applies, the chief judicial magistrate or a metropolitan magistrate at any stage of the investigation, inquiry, or trial, the offense and the magistrate of the first class inquiring into trying the offense at any stage of the inquiry or trial. मे टेंडर अ पार्डन टू सच पर्सन ऑन अ कंडीशन ऑफ हिज मेकिंग फुल एंड ट्रो डिसक्लोजर ऑफ द होल ऑफ़ द सर्कमस्टांसिज विद इन हिज नॉलेज रिलेटिव टू द ऑफेंस एंड टू एवरी अदर पर्सन कंसर्न वेदर एज प्रिंसिपल और अबेटर इन द कमीशन देयर ऑफ क्यों कर रहे हैं पार्डन पहली ही लाइन से हमको समझ में आ रहा है कि पार्डन कर रहे हैं विद्यू टू ऑबटेन द एविडेंस किसी व्यक्ति से जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस ऑफेंस से जुड़ा हुआ है जिसमें ये सेक्शन अप्लाई करती है ठीक है तो किसमें ये सेक्शन अप्लाई करती है अभी हम जैसे जैसे सेक्शन आगे पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा तो कौन दे सकता है पहला तो क्या बोला क्यों दे रहे हैं पार्डन विद अ व्यू टू ऑप्टेन द एविडेंस फ्रॉम अ पर्सन जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस ऑफेंस से कनेक्टेड है फिर कौन देगा पाडन द चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो किसी भी स्टेज में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल की किसी भी स्टेज में सी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पाडन दे सकते हैं और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी पाडन दे सकता है एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल तो सी जे एम और मेट्रोपोलिटीन मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल किसी भी स्टेज में पार्डन दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास केवल इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज में पार्डन दे सकते हैं क्यों विद अ व्यू टू ऑप्टेन दी एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑफेंस ठीक है मे टेंडर अ पार्डन टू सच पर्सन किस कंडीशन में दे रहे हैं वो पहला तो टू ऑप्टेन दी एविडेंस एंड विद अ कंडीशन कि वो क्या करेगा फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर पूरा तरीके से और सच सच जो भी बताएगा सच सच बताएगा ऑफ द होल ऑफ द सरकमस्टांसिस जो भी उसकी नॉलेज में है नॉलेज में है ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता रहा है अब पार्डन मिल रही है तो कुछ भी बता रहा है किसी को भी फंसा दे रहा है किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा है ऐसा नहीं विद इन हिज नॉलेज जो उसको जानकारी है रिलेटेड टू द ऑफेंस एंड टू एवरी अदर पर्सन और हर उस व्यक्ति के बारे में जो कि प्रिंसिपल ऑफेंडर है और जो कि अबेटर है इन द कमीशन देयर ऑफ अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे प्रिंसिपल ऑफेंडर ही यदि पहली बार में पकड़ा गया जो मेन अपराधी है या अबेटर जिसने अपराध को उकसाया है वो ही पकड़ा गया तो क्या उनको पार्डन दे देंगे हम किसी और कनेक्टेड अभियुक्तों को पकड़ने के लिए तो नहीं देंगे ऑब्वियसली क्योंकि जो मेन अक्यूज है इस ये पार्डन देने का मकसद क्या है कि जो मेन अक्यूज है उसको पकड़ने के लिए पार्डन अपन दे रहे हैं है ना तो वो जब मेन अक्यूज पकड़ा जाएगा पहले ही पकड़ा गया है तो उस सिचुएशन में हम बाकी अभियुक्त उसको पार्डन क्यों देंगे बाकी अभियुक्तों पक को पकड़ने के लिए समझ रहे हैं ना तो इस ये ये सिचुएशन है यहाँ पे ठीक है अब क्या है कि मान लो उसने यदि बोला प्रिंसिपल ऑफेंडर यदि पकड़ा गया और उसने बोला कि मेरे साथ और भी अभियुक्त जुड़े गए हैं तो फिर इसको हम सेक्शन वन हंड्रेड एंड थर्ट सॉरी सेक्शन थर्टी थ्री ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कंसिडर कर सकती है कोर्ट कि यदि उसके अगेंस्ट प्रूव हो जाता है तो बाकी के अगेंस्ट उसका कन्फेशन कंसिडर करेगी कोर्ट पर उसको पार्डन नहीं देगी ठीक है तो केवल को इसको पार्डन देगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड है ठीक है अब मैं आगे पढ़ती हूँ दिस सेक्शन अप्लाईज टू अब ये सेक्शन कौन से ऑफेंसेज में अप्लाई कर रही है क्या आप सारे ऑफेंसेज में पार्डन दोगे है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऑफेंस किया है एक महीने की सजा का तो क्या जिसने एक महीने की सज़ा किया उसको पार्डन दे दोगे तो ये उसी की बात कर रहा है कि किसको पार्डन दोगे एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाई दर्ट ऑफ सेशन और बाई द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू जो भी ऑफेंसेस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन है या कोर्ट ऑफ स्पेशल जज जो कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग जिनको अपॉइंट किया गया है ठीक है तो अब कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जितने भी ट्राइबल ऑफेंसेस हैं वो कोई छोटे मोटे अपराध तो है नहीं जिला न्यायालय तो उन्हीं अपराधों का ट्रायल करती है जो कि सीरियस ऑफेंसेस होते हैं बाकी छोटे छोटे तो नीचे जे एम जे एम ये सारे लोग ट्रायल करते हैं है ना तो बड़े अपराधों में ही पार्डन देते हैं छोटे अपराधों में पार्डन नहीं देते फिर लिखा है कि एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट जिसकी सज़ा सात साल तक की है एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स और विद मोर सीवियर सेंटेंसेस अब सात साल तक की में लोग ये कन्फ्यूजन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सात साल तक की मतलब सात साल तक की है तो सात साल से कम के मामले नहीं सात साल तक की जिसमें ऑफेंस की सज़ा सात साल या उससे अब तो समझ लो सात साल से सात साल तक की या सात साल से ऊपर के जितने भी ऑफेंसेस हैं ना उन सब में कोर्ट टेंडर ऑफ पार्डन कर सकती है आ, फिर क्या है सी और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट फिर एवरी मजिस्ट्रेट टेंडर्स पार्डन अंडर सेक्शन वन शेल रिकॉर्ड जो भी मजिस्ट्रेट क्लॉज वन में पार्डन टेंडर करेगा वो क्या करेगा शेल रिकॉर्ड रीजन रिकॉर्ड करेगा कि वो क्यों पार्डन टेंडर कर रहा है वेदर द टेंडर वाज और वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय दी पर्सन टू हुम इट वाज मेड एंड शेल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय दूस फर्निश एम द कॉपी ऑफ सच सच रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट तो यहाँ पर ड्यूटी बता दी गई है कोर्ट की कि जब भी वो पा, टेंडर पार्डन करेगा तो रीज़न लिखेगा और साथ ही साथ कि ये पता करेगा कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा वो उसका जो टेंडर का पार्डन था उस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं और एक्यूज के एप्लीकेशन में उसको रिकॉर्ड की फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी भी देगा फिर सब क्लॉज फोर ये बता रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट करेगा तो ही शैल बी एग्जामिंड एज अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट जिसने कॉग्निजेंस लिया है एंड इन दी सबसिक्वेंट ट्रायल एंड बी कह रहा है शेल अनलेस ही इज ऑलरेडी ऑन बेल बी डिटेन इन कस्टडी एंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल ठीक है तो उसका एग्जामिनेशन हम करेंगे एज अ विटनेस एंड शेल अनलेस यदि वो बेल पे नहीं है तो उसको तब तक कस्टडी में रखा जाएगा जबकि ट्रायल का टर्मिनेशन नहीं हो जाता है अब क्यों यहाँ पे रख रहे हैं उसको कस्टडी में क्योंकि एट द एंड तो तुमको तुमकिटल होना ही है अब कहती जैसे मामले को मैंने एग्जांपल दिया जो कि बड़े मामले हैं जिसमें सात साल से ऊपर तक की तुमको सज़ा ऑलरेडी हो रही है तो तुमको छोड़ नहीं दिया जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन हो नहीं जाता इंक्वायरी नहीं हो जाती ट्रायल नहीं हो जाती है तब तक आपको जेल में ही बंद करके रखेंगे Fifth, where a person has accepted a tender of pardon made under subsection one and has been examined under subsection four, the magistrate taking cognizance of the offence shall, without making any further inquiry in the case, commit it for the trial to the court of session. If the offence is exclusively tried by the court of session, or if the magistrate taking cognizance is the chief judicial magistrate, to a court of special judge. Uh, in any other case, make over the case to the C, chief judicial magistrate, who shall try the case himself. अब देखो यहाँ पे तो प्रोसीजर बता दिया है ठीक है अब यदि व्यक्ति ने टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर लिया तो ट्रायल चलेगी ना आगे तो जिस मजिस्ट्रेट ने कॉन्ग्नीजेंस लिया है कांग्नीजेंस क्या होता है यदि वन नाइन्टी देखो वन नाइन्टी वन बी यदि आप पढ़ेंगे तो कॉग्निजेंस लेने का पावर जो है वो सबसे पहले कॉग्निजेंस कौन लेता है जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेती है ठीक है लेकिन उसको हर मामले का ट्रायल चलाने की पावर नहीं होती हर मामले का ट्रायल चलाने की पावर नहीं होती जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन कितना है कि वो तीन साल तक के मामलों का ट्रायल चला सकता है लेकिन वो काग्निजेंस मर्डर का भी ले लेगा पर मर्डर में तो इतनी सज़ा नहीं है तो मर्डर का भी कॉग्नीजेंस उसने ले लिया तो यहाँ पे क्या करेगा अब वो कमिट करेगा कमिट कहाँ करता है दो सौ नौ में कमिट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन में तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब वो टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर लिया अभियुक्त ने और मामला यदि एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है या उसका ट्रायल सीजीएम को चलाना है तो उसके अकॉर्डिंग वो मेक ओवर कर देगा केस या कमिट कर देगा ठीक है फिर आ जाते हैं अपन सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड सेवन में पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन अब क्या है कि जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्नीजेंस लिया यहाँ पे उसको बोला टेंडर ऑफ़ पार्टन का ऑफर दिया उसने टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे जब कमिट करेगा केस या फिर मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने टेंडर ऑफ़ पार्डन की बात यहाँ पे नहीं हुई थी तो बाद में जब ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया वन ट्वेंटी सॉरी वन नाइन्टी वन बी में जब वो कमिट करेगा ठीक है जब वो कमिट करेगा केस को तो कौन जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब केस को कमिट करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा वो उसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास जब मामला जाएगा तब कोर्ट ऑफ सेशन भी उसको ऑफर दे सकता है कि मैं तुमको टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर रहा हूँ तो यही लिखा हुआ है एट एनी टाइम आफ्टर कमिटमेंट ऑफ अ केस बट बिफोर जजमेंट इज पासड जजमेंट से पहले कभी भी आप क्या कर सकते हो टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर सकते हो द कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड व्यू टू अपटेनिंग एट द ट्रायल द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्ड इन और प्रीवी टू एनी सच ऑफेंस टेंडर ऑफ पार्डन ऑन द सेम कंडीशन टू सच पर्सन ठीक है इजी है ये कुछ नहीं इधर फिर क्या है अब देखो अब मान लो जिस व्यक्ति को तुमने टेंडर ऑफ पार्डन दिया है वो झूठ भी बोल सकता है चीज़ें छुपा भी सकता है या उल्टा सीधा बता सकता है फॉल्स एविडेंस भी दे सकता है कोर्ट में तो यदि वो ऐसा करता है तो क्या होगा उसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा ना सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड एट यही बताता है हमको कि ट्रायल ऑफ अ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विथ कंडीशन ऑफ पार्डन जो कि कंडी उस उस पर्सन का ट्रायल कैसे चलाओगे जो कि कंडीशंस ऑफ पार्डन को कंप्लाई नहीं कर रहा है ठीक है क्षमा की शर्तों का पालन ना करने वाले व्यक्ति का कैसे विचारण होगा सॉरी तो यहाँ पे क्या लिखा है वेयर इन रिगार्ड टू अ पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड सिक्स थ्री हंड्रेड सेवन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाइज दैट इन हिज ओपिनियन सच पर्सन कौन सर्टिफाई कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई कर रहा है देखो ऑफेंस किसके अगेंस्ट होता है स्टेट के अगेंस्ट होता है ये साक्ष्य तुम्हें बता रहा है अभियुक्त के अगेंस्ट तुम्हें बाकी जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसके अगेंस्ट तुम्हें साक्ष्य दे रहा है तो ये विटनेस किसका हुआ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का विटनेस हुआ ना पीपी -पी जो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूशन होगा उसका विटनेस हुआ ये तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई कर रहा है कि उसके ओपिनियन में जिस व्यक्ति को टेंडर जिस व्यक्ति को टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया है वो क्या कर रहा है आइदर बाय विलफुली कंसीलिंग एनीथिंग असेंशियल और बाय गिविंग फॉल्स एविडेंस नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन विच द टेंडर वाज मेड सच पर्सन मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्डन वाज सो टेंडर्ड और फॉर एनी अदर ऑफेंस ऑफ विच ही अपियर्स टू हैव बिन गिल्टी इन कनेक्शन विद द सेम मैटर एंड ऑल्सो फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस देखो मैं एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ देती हूँ कि जहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 306 या धारा 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया है लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर कर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है और जिस पर क्षमादान किया गया था वहाँ ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए जिसके बारे में से क्षमादान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए जिसका वह उस विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध के लिए तो इसका विचारण कैसे चलाएंगे फिर अपन कि उसका विचारण अब साक्ष्य देने के अपराध के लिए भी विचारण किया जा सकता है यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर गिविंग फॉल्स एविडेंस का ट्रायल अलग से चलाएंगे और इसमें क्या लिखा है आगे प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शेल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी ऑफ दी अदर अक्यूज तो ये जो फॉल्स एविडेंस देने का जो वो ऑफेंस कर रहा है इसको बाकी अक्यूज के साथ जॉइंटली ट्रायल नहीं किया जाएगा जॉइंटली ट्रायल कहाँ बताया गया सेक्शन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री ऑफ दी सी आर पी सी में जॉइंट ट्रायल की बात की गई है तो वहाँ पर अक्यूज इस अक्यूज को बाकी जो अक्यूज है उसके साथ जॉइंट ट्रायल इसका नहीं किया जाएगा ठीक है फिर आगे बताया गया है कि लेकिन जब इसका ट्रायल हम फॉल्स एविडेंस के लिए करेंगे ना तो हमको सेंक्शन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट की बिना सेंक्शन ऑफ दी कोर्ट के इसका हम फॉल्स एविडेंस के लिए ट्रायल नहीं चला सकते हैं ठीक है फिर एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर ऑफ पार्डन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 और बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 4 ऑफ़ सेक्शन थ्री में मे बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम एट सच तो उसने जो भी बैन एक में दिए होंगे या तीन में दिए होंगे तो उसके अगेंस्ट हम उसको एविडेंस में दे सकते हैं फिर आंगे है एट सच ट्रायल दूज शेल बी एंटाइटल टू प्लीड दैट ही हैज़ कम्प्लाइड विद द कंडीशन अपॉन विच सच टेंडर वॉज मेड इन विच केस इट शेल बी द फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द कंडीशन हैज़ नॉट बीन कम्प्लाइड अब जब प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि भाई आ, इसने कंडीशन से कम्प्लाई नहीं किया है और अक्यूज बोल रहा है नहीं नहीं मैंने तो सारी कंडीशन से कंप्लाई कर दिया मैंने तो जितना भी बोला सबको सच सच बोला है तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होगा कि वो प्रूव करे कि कैसे अक्यूज ने इस कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया है ठीक है फिर एट सच ट्रायल द कोर्ट शेल और कोर्ट ऐसी ट्रायल में कोर्ट शेल इफ इट इज़ अ कोर्ट ऑफ सेशन बिफोर द चार्ज इज रीड आउट एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज इफ इट इज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट बिफोर द एविडेंस ऑफ द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन इज टेकन आस्क द अक्यूज वेदर यू प्लीज दैट ही इज कम्प्लाइड विद द कंडीशन ऑन विच द टेंडर वॉज पार्डन इज मेड सिंपल सी बात है कोर्ट से कोर्ट भी पूछ लेगा कि तुमने क्या कम कंडीशन का कम्प्लाई किया है कि नहीं जिसमें तुमको टेंडर ऑफ पार्डन दी गई है मतलब कोर्ट उसकी बात पे भरोसा करेगा और यदि प्रोसिक्यूशन को लगता है कि उसने उसके कम्पलाइंस नहीं किया तो प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर दे इस बात को प्रूफ कर देगी तो फिर इसका ट्रायल हम फॉल्स एविडेंस गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए अलग से इसका ट्रायल चला देंगे और जिस ऑफेंस में इसको टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया था उसका ट्रायल तो चल ही गई फिर उसको चालू कर देंगे ठीक है फिफ्थ क्या लिखा है कि यदि उसने सारी कंडीशन को कम्पलायंस कर दिया सारी चीज़ों का कम्पलायंस कर दिया तो क्या करेंगे इफ द अक्यूज डस सो प्लीड द कोर्ट शेल रिकॉर्ड द प्ली एंड प्रोसीड विद द ट्रायल एंड इट शैल जब तक प्रोसीड विद द ट्रायल तब तक वो जेल में ही रहेगा एंड इट शेल बिफोर पासिंग जजमेंट इन द केस फाइन वेदर नॉट द अक्यूज हैज़ कम्प्लाइड विद द कंडीशन ऑफ द पार्डर एंड इफ इट फाइन्स दैट ही हैज़ सो कम्प्लाइड इट शैल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोर्ट पास द जजमेंट ऑफ अक्टल तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब ट्रायल के दौरान उसको जेल में बंद रखा गया उससे पूछा गया कि क्या तुमने सारी कंडीशंस का कम्पलाइंस कर दिया उसने बोला हाँ मैंने सारी कंडीशंस का कम्पलाइंस कर दिया है तो पूरी ट्रायल चलेगी एट दी एंड यदि कोर्ट को लगता है कि इसने हाँ सारी कंडीशन का कंप्लाइंस कर दिया है इसने सारी चीज़ें सच सच बताई कुछ भी इसने झूठ नहीं बोला है सारी चीज़ें इसने सच सच बताई है तो उस केस में क्या करेंगे एट दी एंड इस अक्यूज के अगेंस्ट जिसने जिसको पार्डन दिया गया था एट द एंड पास द जजमेंट ऑफ अक्टल फॉर द अक्यूज हु हैज़ गिवेन दी एविडेंस फॉर दी फेवर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जिसको टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट की गई है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बहुत तो टफ नहीं है बहुत ही इजी सी सेक्शन है ये ज़्यादा इसमें टफ नहीं है बस अपन को बात क्या याद रखनी है कि क्यों इसको दे रहे हैं टेंडर ऑफ पार्डन कौन दे सकता है सी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास इंक्वायरी ट्रायल में दे सकते हैं सी मेट्रोपॉलिटन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल दोनों में दे सकते हैं कब तक की में दे सकते हैं एनी ऑफेंस जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन है, स्पेशल जज है या या जिनकी सज़ा सात साल से ऊपर या मोर सीवियर सेंटेंसेस की है उसमें भी दे सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन भी कमिटमेंट के कमिटल के बाद बिफोर पासिंग ऑफ द जजमेंट दे सकते हैं तीन सौ साठ तीन सौ आठ में यदि वो कुछ छुपाता है झूठ बोलता है तो फॉल्स एविडेंस के लिए उसका अलग से अपन ट्रायल चला देंगे ठीक है और जब कोर्ट को लगता है कि उसने सारी चीज़ों का पालन अच्छे से कर लिया है तो उस सिचुएशन में क्या करेगी वो जजमेंट ऑफ एक्विटल पास कर देगी ओके इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू अंडरस्टूड यूर्स देश Then you can please like, share, and subscribe to my channel. Okay. Thank you. Bye.